सोशल मीडिया पर ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अपमान करने के दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो पूर्व राष्ट्रपति के विदाई समारोह का है, जो उनके कार्यकाल के खत्म होने के एक दिन पहले यानी कि 23 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया था। आम आदमी पार्टी के नेता व सांसद संजय सिंह ने ये वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया और लिखा कि ये लोग ऐसे ही हैं, आपका कार्यकाल खत्म, अब आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। राजद नेता ऋषि कुमार ने ये वीडियो ट्वीट कर पूछा कि क्या ये एक दलित राष्ट्रपति का अपमान नहीं है। नेशनल फोरम ने भी ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया। तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अपमान किया? इस वीडियो की असलियत का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने संसद टीवी की यूट्यूब चैनल चेक की, क्योंकि वायरल वीडियो में भी संसद टीवी का लोगो है। यूट्यूब पर संसद टीवी ने समारोह का पूरा वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में 58 सेकंड से 1 मिनट 1 सेकंड तक के टाइम फ्रेम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगे बढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा की सांसद गीता विश्वनाथ वांगा का अभिवादन स्वीकार करते हैं, जो कि पीयूष गोयल के पीछे ही खड़ी है। यहाँ पर कैमरा का एंगल इस तरह से है मानो रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री मोदी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और उन्हें कुछ कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। जबकि असल में उस वक्त रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थोड़ा आगे खड़े होकर सांसद गीता विश्वनाथ वांगा का अभिवादन कर रहे हैं। कुल मिलाकर ऑल्ट न्यूज ने वीडियो का एनालिसिस करते हुए पाया कि वायरल वीडियो के साथ किया जा रहा दावा पूरी तरह से गलत है। पीएम मोदी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अपमान नहीं कर रहे थे।